learning that when Kejriwal arrived in Rajkot to attend the Garba festival, a water bottle was thrown at his arrival by some unknown person, and Kejriwal arrived here at a famous temple wherein he had gone to attend the prayers. However, a bottle was perhaps thrown when he arrived at the temple premises, and this was done by some unknown person. Well, we have to wait for more inputs to come in as for who this person was, but the latest that we are tracking is, and the video which we are showing you on the broadcast, you can clearly see the bottle which was being thrown at Kejriwal. Let me go across to my colleague Amit for more on this. Amit, who was this person who threw this bottle at Arvind Kejriwal? देखिए, अभी हम बात करें तो इस मामले में किसी भी तरह की कंप्लेन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, ना ही आम आदमी पार्टी ने इस मामले में अपना कोई पक्ष रखा है, क्योंकि कल ये देर रात की घटना है राजकोट में। जो खोडलधाम मंदिर है, पाटीदार समुदाय का एक बहुत आस्था और श्रद्धा का केंद्र गिना जाता है, तो उस जगह पे ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस ने भी इस मामले में कोई भी तरह से जांच नहीं की है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये किसी के ध्यान पे नहीं आया है अभी तक, और अचानक ये वीडियो जब सामने आया है, और विशेष तौर से जो व्यक्ति ने फेंका वो व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जब वो क्रॉस हो रहे थे तो एक बॉटल जो है वो हवा में उड़ के आती है और नीचे गिर जाती है। बाद में उनके सिक्योरिटी के जो सुपरवाइजर हैं उनकी भी नजर पड़ती है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के पैर में आप देखेंगे तो वो पैर में वो बोतल जो है वो टकराती है जब नीचे गिरने के बाद में। तो फिलहाल इस मामले पे आम आदमी पार्टी ने अभी कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन के दौरे की बात है, और 2 दिन का दौरा, आज दूसरा दिन है अरविंद केजरीवाल के दौरे का, वो भी सौराष्ट्र में रहने वाले हैं, और ये सौराष्ट्र के इलाके में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और वहां पर वो चैलेंज गुजरात गवर्नमेंट को और खास करके बीजेपी को वो चैलेंज दे रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से जब बीजेपी का गढ़ है वहां पर वो पहुंचे हैं, तो कोई व्यक्ति ने आवेश में आके इस तरह से फेंका होगा, क्या है वो जांच जैसे जैसे दिन आगे जाएगा उसके बाद में स्वाभाविक तौर से पुलिस भी हरकत में आएगी, और क्या कार्यवाही की जाती है, किसे डिटेक्ट किया जाता है, किसे डिटेन किया जाता है, वो भी देखना होगा।